कुएं में मिला शासकीय शिक्षक के बेटे का शव रात में घर सोया था। सुबह कुएं में उतरती मिली हुई लाश। पौरी अनुभाग के गोवर्धन थाना क्षेत्र के गुरिच्छा गांव में आज रविवार को सुबह 8 बजे गांव के कुएं में शासकीय शिक्षक के 27 साल के बेटे का शव कुएं में उतरता हुआ मिला है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची गोवर्धन थाना पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से निकालकर पोस्टमार्टम हाउस भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक गुरिच्छा गांव के रहने वाले शासकीय शिक्षक राम प्रकाश जाटव का बड़ा बेटा पंकज जाटव रात में घर में ही देखा गया था, लेकिन सुबह 4 बजे उसका बड़ा भाई सतीश उठा तो पंकज अपने बिस्तर पर नहीं था। घर में तलाशने के बाद परिजन पंकज की तलाश में घर से बाहर निकले थे। तलाशी के दौरान परिजनों को पंकज का शव घर के पास बने हुए कुएं में डला हुआ मिला। उसका शव पानी में तैर रहा था। सूचना के बाद मौके पर पहुंची गोवर्धन थाना पुलिस ने कुएं से शव को निकलवाया। गोवर्धन थाना प्रभारी दीपक शर्मा ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला सुसाइड से जुड़ा हुआ लग रहा है। पुलिस ने मर कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया और जांच जारी है। धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।